बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम के बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपकी ईद अच्छी गुजर गई होगी। आपकी ईद की छुट्टियां हुई ख़त्म, अब आते हैं अपनी क्लासेस की तरफ। आपकी उर्दू की ऑनलाइन क्लास का वक्त हो गया है। ये है आपकी उर्दू की किताब, इसको खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 5 पे हमने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, फिर उसके बाद सफ़ा नंबर 6 पे हम उसकी मश्क के सवालात की तरफ आए। मश्क का पहला सवाल यानी सवालात के जवाबात हमने अपनी कॉपी में लिख लिए हैं और उम्मीद है आपने याद भी कर लिए होंगे। अब इसी सफ़ा नंबर 6 पे हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा हमारा सवाल है, नात के मुताबिक खाली जगह पुर करें। इन्होंने मिसरे दिए हैं, नात से लिए गए मिसरे हैं जो हमने पढ़ी है। आगे इन्होंने अल्फाज दिए हैं, दो दो उनमें से ठीक लफ्ज़ चुन के हमने मिसरा मुकम्मल करना है। पहला मिसरा है, वो नबियों में रहमत खाली जगह पाने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। इसका ठीक लफ्ज़ हमने चुन के लिखा लकब। दूसरा है, मुरादें खाली जगह की भर लाने वाला, मुरादें अमीरों की या गरीबों की, लफ्ज़ है ठीक गरीबों की, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। फिर है तीसरा, मुसीबत में खाली जगह के काम आने वाला गैरों या बच्चों, ठीक लफ्ज़ है गैरों, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। उसके बाद है, खाली जगह के दिल में घर करने वाला, बदअंदेश खैर अंदेश, तो ठीक लफ्ज़ है बदअंदेश, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। फिर है, खुले थे ना जो खाली जगह अब तक जहाँ पर, राज या दरवाज़े, ठीक लफ्ज़ है राज, खुले थे ना जो राज अब तक जहाँ पर। ये हमने ठीक अल्फाज लगा के अपने मिसरे मुकम्मल कर लिए हैं। अब आती है बारी सवाल नंबर 3 की। तीसरा सवाल है, अल्फाज के मानी तहरीर करें। तो ये वो अल्फाज हैं जो हमने नात के बाद नए अल्फाज की सूरत में इनके मानी कर लिए हुए हैं, इसलिए हम सवाल नंबर 4 की तरफ आएंगे, मिसरों को नसर में तब्दील करें। तो बच्चों, मिसरे जो हैं वो नात के, नज़म के या हम्द के होते हैं और नसर जो है वो सबक की सूरत में लिखी जाती है। तो हम ये मिसरों को जो इन्होंने नात से लिए हैं इनको नसर की सूरत में लिखेंगे। ये आपका दूसरा सवाल। अब चौथे सवाल की बारी। हमने मिसरों को नसर की सूरत में लिखना है, तो पहले मैंने इसकी तारीफ़ लिख दी है, ये भी आपने अपनी कॉपी में लिखनी है, नीट कॉपी में। ये अपना पिछला काम भी आपने अपनी नीट कॉपी में लिखना है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 4, मिसरों को नसर में तब्दील करें। फिर मैंने नसर की तारीफ़ भी आपको लिख के बता दी कि सबक की सूरत में जो जुमले लिखे जाएँ या मज़मून की सूरत में उसे नसर कहते हैं। पहला इन्होंने मिसरा दिया हमें, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, हमने इसको नसर की सूरत देनी है। तो इस तरह से हमने इसे लिखा, गरीबों की मुरादें भर लाने वाला। फिर उसके बाद है, खुले थे जो नाराज अब तक जहां पर, इसे नसर की सूरत में हम लिखेंगे। तो किस तरह से लिखना है, जो राज अब तक जहां पर नहीं खुले हुए। फिर है, वो दिखला दिए एक पर्दा उठाकर, नसर हमने इसकी बनाई, एक पर्दा उठाकर दिखा दिए। उसके बाद है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, नसर हम बनाएंगे इसकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों में रहमत का लकब पाया। ये हैं आज के 2 सवालात के जवाबात। ये आपने अपनी नेट कॉपी में बहुत खूबसूरत और प्यारे करके लिखने हैं और लिखने के बाद अपना लिखा जाने वाला काम याद भी किया करें और मुझे इनबॉक्स में अपना काम चेक भी करवाया करें। आज का हमारा काम इतना ही। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।